मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक इमारत के लिफ्ट में गिरने से एक 13 साल के लड़के की मौत हो गई है। इस बात की जानकारी पुलिस ने गुरुवार को दी है। पुलिस ने बताया है कि यह घटना बुधवार को हुई थी। दरअसल उस दौरान यह लड़का अपने पिता द्वारा धोए गए कपड़े देने के लिए कल्याण कस्बे के खड़कपाड़ा इलाके में गया हुआ था और बिल्डिंग से नीचे आने के लिए लड़का लिफ्ट में घुसा, लेकिन लिफ्ट पांचवी और छठी मंजिल के बीच में फंस गई। खड़कपाड़ा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया है कि लड़का उस दौरान काफ़ी घबरा गया और उसने जल्दबाजी में दरवाज़ा खोला। इसके बाद उसका संतुलन बिगड़ गया और वो लिफ्ट की नली में जा गिरा। काफ़ी समय बीतने के बाद जब लड़का घर पर नहीं लौटा तो परिवार के लोग परेशान हो गए और उन्होंने अपने बेटे की तलाश शुरू कर दी। पुलिस अधिकारी के अनुसार रात करीब 10:30 बजे इमारत की जांच करने गए, तब देखा गया कि लड़का डक में बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने तुरंत लड़के को पास के ही अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही लड़के के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया है। आपका लड़का कितने साल का था, किधर गया और क्या है? वो 13 साल का था, हिमांशु नाम था और करीब 9:30 के बीच में कल शाम कपड़े देने गया था और लिफ्ट जो थी 5 या 6 माला के बीच में अटक गई और वहीं से वो कूद गया, नीचे चला। हाँ, निकलने के चक्कर में अंदर चला गया, 5 माला से नीचे गिर गया वो। बाद में मैंने छोटे वाले अपने भतीजे को भेजा कि काफ़ी देर हो गया, देखो हिमांशु किधर है, तो देखने गया तो वहाँ पता लगा कि वो नीचे गिर गया। तो फिर हम लोग फिर भाग के गए वहाँ, उसको निकाला वहाँ से और फिर गाड़ी में डाल के तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। क्या नाम है? लालजी गौतम।